बचपन से हमारी सबकी ये प्रोग्रामिंग करी गई है बचपन से ही कॉम्पिटिशन की और कंपेरिजन की स्कूल में कॉम्पिटिशन घर में कॉम्पिटिशन भाई बहन का आपस में कॉम्पिटिशन वो बहुत अच्छा है पढ़ाई में तू बिल्कुल बेकार है वो कितना अच्छा खेलता है तू क्यों नहीं खेल पाता वो कितना अच्छा दिखता है तू इतनी अच्छी क्यों नहीं दिखती कॉम्पिटिशन एंड कंपेरिजन इससे हुआ क्या हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई हम चाह करके भी इस दुनिया को बिना किसी कंपटीशन के बिना अपने आप को किसी और से कंपेयर किए देख ही नहीं सकते या तो हम किसी को अपने से कंपेयर करेंगे उसको अपने से ऊपर बिठा देंगे या उसको अपने से नीचे गिरा देंगे इस प्रोग्रामिंग को अगर तोड़ना है तो एक सवाल को बीच में लगाना ही होगा उसके बिना ये प्रोग्रामिंग नहीं टूट सकती आप ऑटो पायलट पर चलते ही चले जाओगे फंसते ही चले जाओगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि मेरी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है आपके पास में एक छोटी गाड़ी है आपने देखा कि आपका जो पड़ोसी है उसके पास में भी छोटी गाड़ी थी अब वो एक बड़ी गाड़ी ले आया आपके पास में सेंटर है वो हंडा सिटी ले आया आपका बहुत खास दोस्त है वो भी इंजीनियर है आप भी इंजीनियर हो दोनों एक तरह का काम करते हैं अब जब भी आप उसकी गाड़ी को देखोगे तो क्या होगा कंपेरिजन आएगा कि उसके पास में ये है मेरे पास में ये नहीं है तो आपके अंदर एक डिजायर उठेगा उस लेवल पे बल्कि डिजायर नहीं सबसे पहले एक विश उठेगी कि काश मेरे पास भी एक ऐसी बड़ी गाड़ी हो अब ये विश धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसकी गाड़ी को देखते चले जाओगे उसके बारे में सोचते चले जाओगे ये डिजायर बन जाएगी अब देखो ये डिजायर किस तरीके से फंसाएगा आपको कि आपने उसके वो गाड़ी देखी और आपके अंदर डिजायर उठा कि मुझे ये गाड़ी चाहिए बड़ी गाड़ी चाहिए और आपका दिमाग चलना शुरू हो गया माइंड में इमेजिनेशन आनी शुरू हो गई कि मुझे ये चाहिए 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 आपने रास्ते निकालने शुरू कर दिए इन डिजायर के अकॉर्डिंग माइंड ऑटोमेटिकली रास्ता निकालता है कि अब ये कैसे मिल सकती है जल्दी से जल्दी ये कैसे मिल सकती है उस वक्त हमको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता कुछ और चीज़ें समझ नहीं आ रही होती और हुआ क्या कि आप गए और कुछ महीने बाद जाकर के एक गाड़ी खरीद करके ले आए फाइनेंस करा लिया आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है उस गाड़ी को अफोर्ड करने की लेकिन डिजायर बहुत स्ट्रांग था तो उसने वो करवा दिया काम आपसे अब जैसे ही आपने फाइनेंस कराई आपकी जो सेविंग्स थी वो भी उसमें लग गई प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट्स बन गई आपकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीस परसेंट या तीस परसेंट उस इंस्टॉलमेंट में जाने लग गया सोचो अगर आपके बॉस को इसके बारे में पता लग गया तो वो क्या कर सकता है उसको यह समझ आ जाए कि आपके अंदर इस गाड़ी को खोने का डर है कि अगर किसी वजह से मेरी गाड़ी मेरे हाथ से चली गई तो मैं क्या करूंगा इस सोसाइटी में जाकर के कैसी अपनी शक्ल दिखाऊंगा लोगों को छोटी गाड़ी में आ गया वापस से बड़ी गाड़ी से तो उस गाड़ी से आपको इतनी अटैचमेंट हो गई उस पर किसी ने स्क्रैच मारा तो लड़ाई झगड़ा कुछ भी हुआ तो प्रॉब्लम हम चिपकते ही चले जा रहे हैं उस गाड़ी से और उस चिपकने की वजह से क्या हुआ उस डिज़ायर की वजह से क्या हुआ अब आप पूरे के पूरे ट्रैप में फंसते चले जाओगे ये मैंने एक गाड़ी का एग्जाम्पल लिया ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और हुआ क्या कि जैसे उस बॉस को ये समझ आया कि अब आप इस नौकरी को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आपने छोड़ी तो आपकी इंस्टॉलमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं इस गाड़ी की क्या प्रॉब्लम में आ जाओगे तो अब वो बॉस क्या बोलेगा आपको कि आपको डेली दो से तीन घंटा ओवर टाइम करना है क्या मना कर पाओगे सन yes हो no? no. नहीं कर सकते आप फंस गए हो और आप इस चीज को समझ नहीं पाओगे आप फंसे किसकी वजह से हो आपके अंदर एक डर पनपेगा कि अगर मैंने जॉब छोड़ दी और तीन चार महीने तक मुझे कहीं और जॉब नहीं मिली तो मेरा क्या होगा ई एम आई कहां से दूंगा मेरे घर के खर्चे कहां से निकलेंगे ये कैसे होगा वो कैसे होगा फंसते चले गए आपके अपने डिजायर ने बॉस के थ्रू आपको फंसा दिया और उसके बाद में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे वहां पर जितना आपका टॉर्चर होगा वो टॉर्चर आकर के आप कहां निकालोगे अपने घर पे अपनी फैमिली पर गुस्सा करोगे तुम्हें पता नहीं है मेरे पे कितना प्रेशर है मेरे पे कितना स्ट्रेस है इस स्ट्रेस को क्रिएट किसने किया जहां आपके डिजायर्स की वजह से आपने अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाए प्रॉब्लम शुरू अब सोचो इसमें करना क्या है इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हैं कि जिस वक्त हमारे अंदर यह डिजायर उठे कि मुझे भी ये बड़ी गाड़ी चाहिए या कुछ भी चाहिए तो अपने आप से रुक करके पूछना है क्या सच में मुझे चाहिए या सिर्फ कंपैरिजन की वजह से कंपटीशन की वजह से मैं अननेसेसरी अपने ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं रियली नीड इट जहां आपने सवाल पूछा आप इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम से एक सेकंड में बाहर आ गए <laughs> आपकी इंटेलिजेंस बीच में आ गई वो आपको बचा सकती है डिजायर को उठने से पहले ही आपने खत्म कर दिया आपने कहा मुझे गाड़ी नहीं चाहिए मुझे आजादी चाहिए आई नीड फ्रीडम कि अगर मुझे उस जॉब में मजा नहीं आ रहा और मुझे लात मारनी पड़े उस जॉब को तो मैं एक सेकंड भी ना लगाऊं लात मार दूं मुझे एक स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए मुझे एक टेंशन फ्री लाइफ चाहिए इन सब में कोई ट्रैप नहीं है जहां हम चीजों से जाकर के जुड़ गए वहां पर ट्रैप ही ट्रैप है सारी की सारी प्रॉब्लम्स है करना क्या है उस सिचुएशन में उस गाड़ी को छोड़ना है क्या प्रॉब्लम है गलती कर दी गाड़ी ले ली बड़ी बेच दो छोटी गाड़ी ले लो सारी प्रॉब्लम सॉल्व लेकिन हमारा दिमाग कभी इस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं सारा का सारा जो खेल है वो मन का है मन है प्रॉब्लम लोग कर क्या रहे हैं अपने मन की सुन रहे हैं मन से प्यार कर रहे हैं भगवान से डर रहे हैं करना क्या है इसका उल्टा भगवान से प्यार करना है और मन से डरना है ये मन है जो हमको फंसा रहा है ध्यान से पकड़ो बीमार हो गए ये मत सोचो कि हो गए और तो इतना सारा खाना देख करके मुझसे रहा नहीं जाता था मेरा मन करता था कि मैं सब कुछ खा लूं तो हमने क्या किया अपने पेट की भूख को मिटाने की बजाय अपने मन की भूख को मिटाने की कोशिश करी जिसकी भूख कभी ही नहीं सकती खाते रहे खाते रहे खाते रहे जा करके हॉस्पिटल में पहुंच गए अब भगवान को बोल रहे हैं भगवान तू नहीं यह क्या कर दिया अरे वो भी हंसता होगा कहता होगा भाई कर क्या रहा है तू देख तो सही तेरा मन तुझसे क्या करवा रहा है इस मन को वश में करना है मन क्या है डिजायर और अटैचमेंट्स आप खुद एक चीज से या एक सिचुएशन से या एक इंसान से अटैच हो जाते हो जहां आप उसके साथ में चिपक गए तो क्या होगा उसका सुख दुख आपका सुख दुख बन गया वो मिला तो खुश नहीं मिला तो परेशान किसने कहा है चिपकने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको उठा करके आपकी गाड़ी की वजह से आपके बॉस ने एक पिंजरे में डाल दिया पिंजरा ही हो गया ना कि ना आप उस जॉब में मजा आ रहा है आपको ना उसको छोड़ सकते हो ना कर सकते हो बेमन के किसी काम को करोगे तो क्या तरक्की करोगे उस पर कहाँ आगे बढ़ोगे काम का असर किस पे आएगा रिलेशनशिप्स पे आएगा सब कुछ जुड़ा हुआ है और हम फंसते ही चले जाएंगे हमें बनने के डिजायर्स पैदा करने हैं कि मुझे कुछ बनना है जो भी मैं आज हूं उससे बेटर बनना है मैं एक पेंटर हूं तो मुझे एक बेटर पेंटर बनना है मुझे और चाहिए ये खतरनाक डिजायर है मेरा <laughs> सिंपल सा मोटिव ये है कि आप एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस पूछो साइंस क्या है इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग अगर एक सवाल नहीं होता तो आज साइंस नहीं होती एक आदमी आराम से पेड़ के नीचे बैठा हुआ था उसके पास में एक एप्पल गिरा सर पे गिरा था या पास में गिरा था? गिरा।, गिरा था? था, सर पे जहां भी गिरा था सर पे गिरा पास में गिरा एप्पल गिरा उसने देख करके पूछा कि एप्पल नीचे क्यों आता है ऊपर क्यों नहीं जाता लॉ ऑफ ग्रेविटी वॉज बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर मूवमेंट क्वेश्चन क्या है एक डिजायर है एक डिजायर है कुछ जानने का जो आपने पूछा ना किस तरह के डिजायर सही है किस तरह के नहीं है क्वेश्चनिंग इज ऑल्सो अ डिजायर विच विल लीड यू डाउन टू इंटेलिजेंस जो आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ा देगा और एक डिजायर है चीजों का जो आपकी इंटेलिजेंस को कम कर देगा एक क्वेश्चन पूछो कि हम ये कर क्यों रहे हैं कि मैं अपने पड़ोसी की गाड़ी को देख करके ये क्यों चाह रहा हूं कि मुझे भी वो गाड़ी चाहिए ये मेरा अपना डिजायर है या बचपन से मेरी ऐसी कंडीशनिंग हुई पड़ी है बचपन से मेरी ऐसी प्रोग्रामिंग हो गई है कॉम्पिटिशन 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 कंपेरिजन कंपेरिजन क्या उस गाड़ी में बैठने के बाद में बहुत मजा आने वाला है क्या वही जिंदगी है या जिंदगी कुछ और है पिंजरा जैसा मर्जी हो सोने का भी हो है तो पिंजरा ही ना भाई किसी भी चीज का डिजायर एक सोने के पिंजरे के जैसा है जो हमको कैद कर देता है क्वेश्चन पूछने का डिजायर बढ़िया है आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा किसी भी काम में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होने के लिए आपको क्वेश्चन पूछना ही पड़ेंगे बिजनेस में आपको डेली हजार बार सवाल पूछने पड़ेंगे कि मेरे कस्टमर्स को क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए उनकी रिक्वायरमेंट को समझना है अपने आप को बेटर बनाना है जिसकी सवाल पूछने की आदत है वो किसी भी फील्ड में चला जाए वो कामयाब हो जाएगा उसको कोई रोक नहीं सकता सपोजिंगली दो इंजीनियर्स हैं आईआईटी के अंदर एक है जो सिर्फ रट्टा मार रहा है एक है जो इस फंडे को समझ रहा है जिसको फंडा समझ आ गया वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है लेकिन जिसने रट्टा मारा वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है जिसने रट्टा मारा उसका दिमाग ऐसे है घोड़े की तरह जिसने बेसिक्स को समझ लिया वो कुछ भी कर सकता है अब बेसिक्स को वही समझ सकता है जो क्वेश्चंस पूछ सकता है सही तरह के क्वेश्चंस सही जगह पर पूछते चले जाना है पूछते चले जाना है पूछते चले जाना है उसका माइंड शार्प होता चला जाएगा